दोस्तों, जीवन का अंत कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आया ही होगा, और ये सवाल इतना अनोखा और रहस्यमयी है कि इसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। और हम इंसानों ने भी इसके जवाब में कई सारे दावे किए हैं, जिनमें से कुछ को आज हम अपनी इस इन्फॉर्मेटिव और रहस्यमयी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये सब कर लिया है तो फिर बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कारण हो सकता है ब्रह्मांड का फैलना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है, और आने वाले कुछ सालों में हमारा ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सन और स्टार्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और फिर इन सन और स्टार्स के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पृथ्वी पर से पूरा का पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा कारण हो सकता है सोलार फ्लेयर। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं, और सूर्य पर इन विस्फोटों में से यानी सोलार फ्लेयर में से घातक एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। और ये खतरनाक एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो हमेशा ही सूर्य से निकलते रहते हैं, पर आज तक हमारे धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे बचाते आई है। लेकिन अगर सोलार फ्लेयर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहा तो वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को पार करके पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। यह घातक सोलार फ्लेयर पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। और इन सोलार फ्लेयर से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो सकता है। तो तीसरा कारण हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और इसके कारण से मौसम में होने वाले परिवर्तन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आगे के समय में तूफान, भारी बारिश, सूखा और खाद्य पदार्थों की कमी जैसे कई विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत हो सकता है। तो चौथा कारण हो सकता है एस्ट्रॉइड से टकराना। यूँ तो इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, लेकिन अगर एक एस्ट्रॉइड किसी ग्रह से टकरा जाए तो इनसे निकलने वाली एनर्जी एक एटम बम से 1,00,000 गुना ज़्यादा होगी, जो कि धरती पर जीवन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और माना जा रहा है कि ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड 2036 में यानी 2036 में पृथ्वी से टकराएगा। हालाँकि वैज्ञानिकों के ये अनुमान इससे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा 2013 में एक एस्ट्रॉइड से पृथ्वी के टक्कर होने के अंदाज लगाए जा रहे थे, जबकि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।